जिस नेता के व्यक्तित्व से प्रभावित होके गया उस पार्टी का चलने का, देखिए वही वो नेतृत्व की, वो जो आज के दिन में वो नेतृत्व क्षमता उनकी कमी है, और पार्टी में एक गिरोह, गैंग, ग्रुप, कोठरी या कॉकस चला रहा है। अच्छा। जो कि हमारे सर्वमान्य नेता को आम कार्यकर्ता से दूर रख रहा है। अगर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जाए, कार्यकर्ताओं के आत्मसम्मान की रक्षा न की जाए, तो निश्चित ही कार्यकर्ता थक हार करके पार्टी छोड़ने का मन बनाएंगे। जिस विकासात्मक कार्य के लिए माननीय नीतीश कुमार जी जाने जाते थे, वो आज के दिन में बैकसीट ले लिया है। अटकलों का बाजार करने के लिए सुर्खियों में कैसे रहे, ये प्रमुखता से आ गया है। कार्य प्रभावित है, तो जो प्रबुद्ध लोग हैं हमारे ऐसे, जब कार्य प्रभावित होगा, विकासात्मक कार्य बंद होंगे, फलसफा की राजनीति नहीं होगी, विचारधारा की राजनीति बैकसीट लेगी, तो निश्चित ही उसका अंजाम यही होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, राम मंदिर का उद्घाटन हो गया है और तमाम जो मुल्क की आवाम है वो जज्बात में डूबी हुई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 2024 का इलेक्शन जो है वो हर कदम नजदीक होता जा रहा है। हम लोग 2024 के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। लोकसभा का चुनाव बस आने वाले वक्त में शुरू ही होने वाला है और कहा यह जा रहा है कि राम मंदिर इसमें एक एक्स फैक्टर होगा। राम मंदिर को नजर में रखते हुए आवाम जो है वोट देगी और साथ ही साथ तमाम जो सियासी लोग हैं वो भी इसको मद्देनजर रखते हुए अपना जो सियासी सफर है, आने वाला जो चुनाव है उसमें अपनी मौजूदगी जाहिर करने के लिए कदम उठा रहे हैं। आपको बता दें हमारे साथ डॉक्टर सुनील सिंह हैं, जो कि जेडीयू से इस्तीफा दे चुके हैं, जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। हम लोग जानेंगे उनसे कि क्या वजह है पार्टी छोड़ने की। सर, क्यों छोड़ दिया सर पार्टी? देखिए, पार्टी छोड़ने की वजह के पहले बताना होगा कि पार्टी ज्वाइन करने का कारण क्या था। तो देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी के वैल्यूज़ को, उनके कार्यशैली को, उनके फलसफा को, उनकी विचारधारा को, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मैं ज्वाइन किया। पेशे से नृत्य चिकित्सक हूँ और ज्वाइन किया उसमें तो काफ़ी अपना वहाँ पे चिकित्सा विभिन्न पदों पर रहा, चिकित्सा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष रहा, प्रदेश महासचिव रहा, लंबे समय तक प्रवक्ता रहा। लेकिन जिस नेता के व्यक्तित्व से प्रभावित होके गया उस पार्टी का चलने का, देखिए वही वो नेतृत्व की, वो जो आज के दिन में वो नेतृत्व क्षमता उनकी कमी है, और पार्टी में एक गिरोह, गैंग, ग्रुप, कोठरी या कॉकस चला रहा है। अच्छा। जो कि हमारे सर्वमान्य नेता को आम कार्यकर्ता से दूर रख रहा है। अच्छा। और कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ होती है, तो अगर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जाए, कार्यकर्ताओं के आत्मसम्मान की रक्षा न की जाए, तो निश्चित ही कार्यकर्ता थक हार करके पार्टी छोड़ने का मन बनाएंगे। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ, और हमारे अगर त्यागपत्र से शीर्ष नेतृत्व का अगर आत्मबोध हो, आत्मचिंतन हो और कार्यकर्ता को सम्मान देना शुरू कर दें, तो हमें लगता है कि हमारी एक बड़ी चीज होगी इस पार्टी के लिए, तभी पार्टी बचेगी। और अभी देख ले कि पार्टी में चलने का है कि नेता नीति और मेहनत से चलती है। नेता का जो हाल है वो देख रहे हैं, नीति का तो अता पता है नहीं। अच्छा। नियत का क्या है, पार्टी का नियति क्या है, ये किसी एक व्यक्ति के दिमाग में ही है कि क्या है, अन्य लोगों के लिए इसका पता नहीं है। अच्छा। तो ऐसे पार्टी जो कि अब सामूहिक नेतृत्व से न चलता हो, शीर्ष नेतृत्व चुप हो, गिरोह काम कर रहा हो, तो निश्चित ही समर्पित कार्यकर्ताओं को घुटन होगी और वो छोड़ने को मजबूर होंगे, जैसे आज हम हुए, मेरे पहले भी कुछ लोग हुए और आगे भी हमें लगता है कि इस बात की लड़ी लग जाएगी वहाँ से लोगों के छोड़ने वाले की। और इधर विगत कुछ वर्षों से देखेंगे तो पूरे बिहार की राजनीति एक व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। चाहे आप पत्रकार हों, चाहे जनता हों, सब इसी अटकले में, इसी टीआरपी के लिए कि इधर जा रहे हैं मुख्य जगह, उधर जाएंगे, ये मंत्री रहेगा, ये मंत्री नहीं रहेगा, अब किधर जाएंगे, ये सब अन्य चीज़ों पर केंद्रित है। सकारात्मक चीज़ें कहीं ना कहीं गौण हो गई हैं। जिस विकासात्मक कार्य के लिए माननीय नीतीश कुमार जी जाने जाते थे, वो आज के दिन में बैकसीट ले लिया है। अटकलों का बाजार करने के लिए सुर्खियों में कैसे रहें, ये प्रमुखता से आ गया है। कार्य प्रभावित है, तो जो प्रबुद्ध लोग हैं हमारे ऐसे, जब कार्य प्रभावित होगा, विकासात्मक कार्य बंद होंगे, फलसफा की राजनीति नहीं होगी, विचारधारा की राजनीति बैकसीट लेगी, तो निश्चित ही उसका अंजाम यही होगा। कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जो जेडीयू में जो है काफी बदलाव आएगा, उसके नजरिए बदलेंगे, क्योंकि ललन सिंह जो है वो पार्टी को बढ़ा नहीं रहे थे, इसीलिए उनको हटाया गया। तो क्या नीतीश कुमार के बनने के बाद भी पार्टी किसी तरीके से तरक्की नहीं कर रही है?
देखिए आप जो नाम दे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हटने का जी, तो देखिए ये हटने की जो बात है ना, ये हटने के मंशा क्या होती है आप देख ले। ये जो गिरोह होता है जब काम करता है गैंग, तो बहुत तरह के गैंग काम करते हैं, सारे गैंग प्रतिस्पर्धा में शीर्ष नेतृत्व को कार्यकर्ताओं से दूर रखता है और आपसी नूरा कुश्ती में ये इनको हटाते हैं, वो उनको हटवाते हैं, वो उनको हटवाते हैं, लेकिन पार्टी की स्थिति वही रहती है, कार्यकर्ता वही रहते हैं। कार्यकर्ता इस ठंड में भी कर्पूरी जी के जयंती के अवसर पर ठंड में भी वो काम कर रहे होंगे, झंडा ढोएंगे, बदले में उन्हें उपेक्षा मिलेगा और सम्मान नहीं मिलेगा। तो ये आपसी नूरा कुश्ती में कौन हट जाए कौन नहीं हटे बात वही है, फलसफा और स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग हमारी पार्टी का वही रहता है। आपकी पार्टी छोड़ने का एक वजह राम मंदिर भी है क्या सर? देखिए राम मंदिर वजह नहीं हो सकती है, राम मंदिर तो मैंने कल के दिन में किया कि आज अब देख लें तो प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, वो टेंट से आकर के मंदिर में आए, पूरा हिंदुस्तान ही नहीं विश्व राममय हो गया। जिस तरह का उत्सव का माहौल था, हर्षोल्लास का माहौल था, इस उल्लास से मनाया गया, उसी में राम जी के आदर्शों को हमने याद किया। राम जी का आदर्श क्या था? उन्होंने कॉज के लिए राज्य छोड़ दिया, राज्याभिषेक छोड़ दिया, और मैं तो बस एक प्रवक्ता पद को छोड़ने की कोई जब छोड़ने जा रहा हूँ, ये जब हुआ अंदर में कि विचारधारा की बात ना हो और जन कल्याण के लिए, तो एक पद छोड़ने के लिए मैंने प्रवक्ता पद उसी से राम जी के प्रभु राम जी के आदर्शों को अनुसरण करते हुए छोड़ा, और आगे का भी तय प्रभु श्री राम, बिकॉज राम श्री राम किसी एक धर्म के, एक मजहब के, एक जात के, एक समाज के और एक संस्कृति के नहीं है। प्रभु श्री राम एक आदर्श है, एक फलसफा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है कि कैसा पिता होना चाहिए, कैसा पुत्र होना चाहिए और कैसा पति होना चाहिए और कैसा राजा होना चाहिए, ये सारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम में निहित है और पूरा विश्व इसे सीख रहा है, पूरा विश्व राम में है। तो राम में अगर हम हुए तो क्या हुआ? तो राम जी का आदर्श निश्चित ही इस पूरे देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण किया, एक बड़ी उपलब्धि, एक बड़ा चीज, मैं भी प्रभावित था। कहा यह जा रहा है सर कि राम मंदिर को बीजेपी जो है एक पॉलिटिकल स्टंट की तरह इस्तेमाल कर रही है और तमाम जो लोग हैं सियासी लोग हैं वो इसी को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी में स्विच कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आगे कुछ उन्हें पद मिलेगा या चुनाव में उनकी मौजूदगी जाहिर होगी। देखिए संविधान के अनुरूप ये है कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, धर्म का इस्तेमाल राजनीति में नहीं होना चाहिए और धर्म और आस्था के विषय में नहीं होना चाहिए। तो अगर धार्मिक लोग, आस्था के लोग इतने बड़े आ रहे हैं तो उनको जो व्यक्ति उसको एक पार्टी का संज्ञा देता है वो देता है, तो हमें लगता है कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं इस बात में जनता को विभाजित करना चाहता है कि तुम उस पार्टी के हो, तुम उस पार्टी के हो, उस पार्टी को, ताकि राम के फॉलोअर कम हो जाएं, राममय कम लोग हो जाएं। एक राम के फॉलोअर को एक अमुक संज्ञा और लेबल देके ये इस लोगों का कुत्सित मानसिकता का प्रयास है जो पूरे देश को एक नहीं होना चाहते हैं, सांस्कृतिक पुनर्जागरण नहीं चाहते हैं, सांस्कृतिक धरोहर पर कुठाराघात करना चाहते हैं, वही इसको जात पात धर्म और पार्टी से बांटेगा। राम किसी पार्टी के नहीं है, राम सबके है, पूरे विश्व के राम है। इस राम को लेबल लगाना कि अमुक पार्टी का है या जो राम है हुआ, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश का एक अंग है जिसमें कि राममय लोगों को एक पार्टी से जोड़ने का, ताकि लोगों में इसमें एक विभाजन पैदा हो। लेकिन अब इस तरह से ये लोग जाग गए हैं और लोग इतने राममय हो गए हैं कि इस वैसे मुट्ठी भर लोगों के कुत्सित प्रयास को सफलता नहीं मिलेगी। जेडीयू को जैसे आपने छोड़ दिया सर, तो आने वाले वक्त में किसी पार्टी को मद्देनजर रखा होगा आपने कि जाना है, इसमें शिफ्ट होना है, क्या बीजेपी है आपकी नजर में? देखिए राजनीतिक व्यक्ति हूँ, राजनीतिक रास्ता तो लूंगा, लेकिन आज के दिन में हमारे पास ऐसा कोई चीज नहीं है। आज के दिन में यही है कि प्रभु श्री राम के आदर्शों के, उनके आदेशों का पालन करेंगे। प्रभु श्री राम जहाँ जहाँ दिशा दिशा दिखाएंगे वो जाएंगे, वो राम सबके अपने अपने राम हैं, हमारे अपने राम हैं, वो जो हमें दिशा निर्देश दिखाएंगे उस पर जाएंगे। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुनील सिंह, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि मेरा जेडीयू छोड़ने का नतीजा जो है वो सिर्फ इस वजह से आया कि जेडीयू में जो है आपसी नाइतफाकियां शुरू हो चुकी थी और नूरा कुश्ती का आलम था, लोग अपने आदमियों को बैठा रहे थे जगह जगह पे और जो पार्टी के कार्यकर्ता थे जो उसके लिए मेहनत करते थे उनको किसी तरह का ओहदा नहीं दे रहे थे। और रही बात किसी पार्टी में जाने की, तो इन्होंने साफ साफ कहा है कि राम हमको रास्ता दिखाएंगे, आने वाला वक्त जो है वो बताएगा कि मैं किस पार्टी में शामिल होऊंगा। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई।
अगर रहुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।